वो तो ट्रेलर लॉन्च था प्रेस के लिए एंड हमने पहली बार दुनिया को ट्रेलर दिखाया है एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत डिफरेंट लुकिंग फिल्म है और डिफरेंट लुक राइट नाउ बिकॉज ये ग्रासिया यंग फैशन अवार्ड्स हैं तो फैशनेबल तो बनना ही था. आई एम हैप्पी यू नो जो फैशन अवार्ड्स होते हैं वो हमेशा फन होते हैं एंड जब आपको मिल रहा होता है वो और भी फन हो जाते हैं. Today I'm wearing Armani and I thought I'd go with something very classic. So yeah, trying to have like a very nice red carpet moment right now. Grazia, amazing magazine, been on their cover a few times and a fantastic team to work with. I mean, a great, great magazine for girls. So today is a great night where we're celebrating fashion and design and, you know, glamour. So have to be there and support. आज एकता रजानी ने मुझे स्टाइल किया है सो आई लव व्हाट शी इज गिवन मी. उन्होंने मुझे सब्यसाची का एक ड्रेस दिया है सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी स्टाइल्ड बाय हर. अभी इवेंट में जाने वाली हूँ. एक रॉक कॉन्सर्ट जैसा माहौल था अंदर तो अभी आई थिंक वो ख़त्म हो गया. देन वी गो इनसाइड. या लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं कोशिश कर रही हूँ. आई थिंक मोस्टली जा पाऊँगी शिलोंग. रॉक ऑन टू के प्रेपरेशन के लिए मैं टीम के साथ जाने वाली हूँ मोस्टली. सुना है बहुत सुंदर जगह है और ज़्यादा एक्सप्लोर हिंदी सिनेमा में एक्सप्लोर नहीं किया गया है तो रॉक ऑन में हम करने वाले हैं तो आई थिंक दैट्स रियली गुड. बहुत एक्साइटेड हूँ. ग्रैसिया इज़ अ वेरी स्पेशल मैगजीन एंड वी ऑल कमिंग टुगेदर टू सेलिब्रेट द बेस्ट इन फैशन. इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर. ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट है. हाँ, ये बहुत ही स्पेशल आउटफिट है. निखिल थम्पी का है और वो हमेशा कुछ एजी करते हैं. आई थिंक दिस 3D मेटालिक थिंग इज लुकिंग क्वाइट कूल एंड एजी. सो इट्स ऑल निखिल थम्पी. अंदर माहौल एक्चुअली वार्म अप हो रहा है. एवरीबडी इज गेटिंग डाउन टू हैविंग अ गुड टाइम. एवरीबडी हैज़ अ ग्लास इन देयर हैंड्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ चिटर चैटर. देयर इज अ गुड बज. तो आई थिंक द वार्म अप बहुत अच्छा चल रहा है एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट शो. हाँ, मैं अंदर तैयार होकर आ रहा हूँ. इस वक्त तो पूरी तरह अंदर जा नहीं पाया. मैं सीधा तैयार होकर आप सबसे मिलने आया हूँ. बहुत अच्छी रात होने वाली है. फैशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है अपने अंदाज में. ग्राजिया हैज डिसाइडेड टू हैव अ सेलिब्रेशन ऑफ ऑल द यंग अपकमिंग डिजाइनर्स एज वेल एज ऑल द एस्टैब्लिश्ड नेम्स. और फैशन और फिल्म इंडस्ट्री का तालमेल हमेशा रहा है तो आज एक और अनोखी रात होगी और मज़ा आएगा. बाकी डिटेल्स आपको पता लग ही जाएंगी.